इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखना है कि ये सारी चीजें बखूबी हम लागू करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन कभी इन सब चीजों को हम पढ़ाई के कीमत पर नहीं आगे करने की सोचते। यही चुनौती है आपके साथ। बिना हमारी पढ़ाई या पाठ्यक्रम का जो प्रगति होती है या शिक्षक जो शिक्षा दान करते हैं, बिना उसको प्रभावित किए इन सब योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन करना, यही आपके सामने चुनौती है। क्योंकि अगर हमारे शिक्षक अलग इन्हीं सब योजनाओं के क्रियान्वयन में, हम तो केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनसे निवेदन किया और वो भी इस बार शामिल किया है कि इसका क्रियान्वयन जो स्वयंसेवी संस्था है, स्वयं सहायता समूह है, इन लोगों के माध्यम से करने का। क्योंकि इसी का दूसरा मतलब होता है कि हमारे शिक्षक इससे बाहर रहे। अगर ये सारी चीजें स्वयंसेवी संस्थाएं या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होता है, तो उन लोगों ने, भारत सरकार ने इस बार ये सोचा है कि हम लोग इसको, इस काम में उन लोगों को भी शामिल करें। और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है और हमें अच्छा भी लग रहा है कि इन सब चीजों में भी हमारा प्रदेश, हमारा विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने इन कार्यों को पहले से ही शुरू करके रखा। आप सब ने देखा होगा जो चीजें आप ही लोग लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने पटना जिला में लगभग 450 स्कूलों में स्कॉर और अक्षय पात्र को दिया है चलाने के लिए। इसी तरीके से हम लोगों ने जीविका समूह है उनका भी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर और शायद जहानाबाद जिले में प्रयोग के तौर पर हम लोग उनके माध्यम से भी करा रहे हैं। बाकी कम्युनिटी किचन सेंटर के माध्यम से हम लोग दूसरे एनजीओ को भी काम करने का मौका दे रहे हैं। तो जो चीजें अब सोची जा रही है, हम लोग उस सिलसिले में, उस दिशा में भी हम लोगों ने पहले से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखना यही कि भाई सब कुछ इनके सही क्रियान्वयन के साथ हमारा मौलिक दायित्व भी उतने ही कारगर तरीके से चलता रहे। और आप सब लोग, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिन चीजों पर, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग फिर बैठेंगे और लंबी चर्चा करेंगे, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है वो है कि भाई आप सभी निरीक्षक पदाधिकारी, लेकिन विद्यालयों का निरीक्षण करना हम लोगों ने छोड़ दिया। हमको तो याद है अपने बचपन, उस समय आज तो आप लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ डीओ कहलाते हैं, उस समय तो एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते थे प्रखंड में या अनुमंडल में, उसको भी हमको ठीक से याद नहीं। एक आदमी हमको याद है प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे तो वो साइकिल से चलते, लेकिन जिस दिशा में उनकी साइकिल निकल जाती थी उस पूरे इलाके में शोर हो जाता था आज डिप्टी साहब इंस्पेक्शन में आ रहे, आज इंस्पेक्शन ही बंद हो। आपका दायित्व ऑफिस में बैठ के तो जितना काम करने का, हम समझते हैं कि उनके लिए तो आपके पूरे सप्ताह भर का 2 से 3 दिन का
बाकी समय अगर निरीक्षण में जो हमारे मध्यान्ह भोजन के भी डीपीओ अगर मध्यान्ह भोजन देखने भी जाएंगे स्कूल तो पढ़ाई होती है, तो वो खाना देख रहे हैं तो पढ़ाई होती है कि नहीं होती है वो भी देख सकते हैं। हमारे शिक्षक पूरे समय तक विद्यालय में रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये भी देख सकते हैं। और ये जान लीजिए कि शिक्षा विभाग की उपलब्धि या हमारा आपका चेहरा सही तभी माना जाएगा जब हमारे दूरस्थ इलाके में अवस्थित विद्यालयों में भी पूरे समय तक पढ़ाई होगी, हमारे शिक्षक अपना 100% दे के अध्यापन कार्य करेंगे, उसी से जनता की नजर में हमारा और आपका चेहरा सही होगा। और ये तभी होगा जब आप भी पारदर्शी तरीके से काम करें। और मुझे कोई शक नहीं कि इतना आप सब में सलाहियत है, हुनर है, सक्षम भी हैं आप कि आप चाहिए तो हफ्ते दिन से एक महीना के अंदर सभी गांव देहात के स्कूलों विद्यालयों में जो पढ़ाई अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है उसमें सुधार तुरंत आप दिखा दे सकते हैं लोग। तो भाई हम तो वही आशा रखते हैं। और अगले दिन जब हम बैठने वाले हम इसी सिलसिले में आपसे समझने वाले जो आखिर हम निरीक्षण क्यों नहीं करते और निरीक्षण का मकसद क्या। हमेशा याद रखें कि निरीक्षण का मकसद सिर्फ सजा देना या दंड देना नहीं होता है। अगर व्यवस्था में, प्रक्रिया में, प्रणाली में सुधार नहीं होता तब तो फिर वो बेमानी हो जाए। और हमेशा हमने कहा है कि आप इंस्पेक्ट करिए जो शिक्षक अनुपस्थित हैं बिना छुट्टी के, उनसे सोपर्च करिए। पहली बार आप अगर उचित समझते हैं तो एक मौका दे दी, लेकिन वो मौका तब तक उनका स्थगित रखिए जब तक अगले निरीक्षण में वो सही नहीं निकलते। अगले निरीक्षण में सही निकलते हैं, आपको लगता है कि उनके आचरण में सुधार हुआ है, उनको फ्री कर दीजिए। नहीं कहीं लगे कि ये लगातार मतलब विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझ के करता है, तो वैसे लोगों को सख्त सजा देने से भी नहीं परहेज करिए। और अगर आप अपना बोनाफाइडी सही करें, अपने को पारदर्शी बना के आपने ये काम शुरू कर दिया तो समझिए शिक्षा विभाग का चेहरा, इसकी छवि, इसका लोगों में सम्मान, यही सब बदल जाए। और आखिर हमारा आपका कर्तव्य दायित्व तो क्या है। आखिर हम आप कम से कम इतना तो जरूर सोचेंगे कि हमको आपको बिहार के लोग सही समझें, और सही समझें उसके लिए तो सही काम करना पड़ता है। भाई शिक्षकों को आपके ऑफिस का चैप्टर क्यों लगाना पड़ेगा हमको सो बताइए। शिक्षकों का भी जो हक बनता है, किसी का प्रमोशन है, किसी का पे फिक्सेशन है, किसी का कुछ है, उसके लिए उसको ऑफिस आपके दफ्तरों के चक्कर लगाने की क्या जरूरत है। ये चीज आप प्रोएक्टिवली उस तक क्यों नहीं पहुंचा दी। और जिस दिन से शिक्षकों की समस्याओं को आपने आगे बढ़कर दूर करना शुरू कर दिया उसी दिन से समझिए कि आपके पीछे भी अभी तो आपके ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद से शिक्षक विद्यालय और हमारे छात्रों के चक्कर लगाएंगे और वही आपके विभाग के लिए सबसे अच्छा दिन होगा और वही हमारा लक्ष्य। कि भाई आप शिक्षकों को जैसे हम आपको कह रहे हैं कि हम बैठेंगे अपने सारे अधिकारियों के साथ बैठेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको भी परेशानी रहित बिना
बनाए बिना विभाग में हम लोगों को इच्छित सफलता नहीं मिल सकती। वही चीज आपको शिक्षकों के साथ लागू करनी है। और जब शिक्षक पूरे समय विद्यालय में रह के अध्यापन कार्य करेंगे तभी तो गांव घर के लोग खुद ब खुद ये जान लीजिए, गांव देहात में रहने वाले लोग बड़े ही एहसानमंद किस्म के होते हैं, उनके जैसा तुरंत में एहसान मानने वाला और छोटे एहसान को भी लंबे समय तक याद रखने वाला गांव देहात के आदमी से ज्यादा अच्छा लोग कोई नहीं होता है। और अगर आपने आप एक एक अधिकारी एक एक जिले के मालिक और सब कुछ आपके कार्यशैली पे निर्भर करता है, जिस दिन आपने पूरी जिम्मेदारी से पारदर्शी तरीके से काम करना शुरू कर दिया उसका सीधा एहसास हर गांव के नागरिक को होगा जो नहीं साहब अब विद्यालय का माहौल बदल गया है, और वो समझिए आपके चेहरे की चमक बढ़ा देगा लोगों के नजर में, और लोग जिस इज्जत भरी नजर से आपको देखेंगे हम ही कैसे कर रहे हैं समझिए कि वो जब हम तीसरा चौथा में पढ़ते थे उस समय की बात। लेकिन वो डिप्टी इंस्पेक्टर एक नाम तक याद है सत्यदेव बाबू हुआ करते, वो एकदम टूटी सी साइकिल थी उसी पर चढ़ के आते थे। लेकिन साहब हेडमास्टर से लेके सब लोग सुने की आ रहे हैं हम लोग को, है तुम सीधे बैठेगा कोई इधर देखेगा कोई बात नहीं करेगा आज क्या पढ़ रहे, और वो आते थे तो कहीं हेडमास्टर के चैम्बर में बैठ के सिर्फ कौन आया कौन नहीं आया इसको भेज दो, सबसे तो गजब का सिम्टम होता है। वो सीधे क्लासरूम में जाते थे, शिक्षक के साथ बैठ जाते थे, क्या पढ़ा रहे थे सर, विद्यार्थी से पूछते थे, हम लोगों से पूछते थे अभी मास्टर साहब आपके क्या पढ़ा रहे थे बोलिए तो अभी क्या पढ़ाए हैं, उससे चेक करते। इसका मतलब होता है आपके जाने का भी मकसद तभी पूरा होगा कि आप समय देके हमारे शिक्षक अपना 100% शिक्षण में दे रहे हैं कि, और वो दे रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस का लेवल भी आप देखें, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा काम करने वाले अच्छी पढ़ाई करने वाले शिक्षक लगे उनको प्रोत्साहित भी करें। लेकिन इन सब चीजों में भाई आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, बिना आपके सक्रिय सहयोग के ये काम नहीं हो सकता, और ये काम नहीं होगा। आखिर आप बताइए ना कि खाना पीना अच्छे से मिल गया, खूब पौष्टिक भोजन हम लोग दे दिए, और बच्चा को कुछ आया ही आएगा ही नहीं, पढ़ाई करते निकलते चला जाए तो हमारे विभाग का क्या होगा। अगर बच्चा खूब हृष्ट खूब अच्छा स्वास्थ्य लेके स्कूल से निकला लेकिन उसको एबीसीडी मतलब आठवां पास कर गया एबीसीडी नहीं लिखने आता है तो उस अच्छे स्वास्थ्य का क्रेडिट कभी आपको मिलने वाला है। आपको तो उसके ज्ञान अगर सही नहीं हम दे पाए, उनके बुद्धि का अगर हम लोग सही ढंग से नहीं बढ़ा पाए तो उसका डिस्क्रेडिट जरूर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप सब लोग पूरा ध्यान से सोचिए, और आप सब सक्षम, आप सब में सलाहियत भी है, काबिलियत भी है, योग्यता दक्षता सब कुछ है, लेकिन उसको केवल दिशा देने की जरूरत है। आप दिशा दीजिए, सोचिए भी कि हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन समय पर अच्छे तरीके से देके उसका लेखा भाग जो है अकाउंटिंग पार्ट की है उसको अच्छे से HDFC बैंक के प्रशिक्षण कार्यक्रम से समझ के उसको अच्छे से लागू करके, जिससे कि कल आपको कोई परेशानी ना हो अकाउंटिंग के सिलसिले में, और अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ी होता है तो आप समझ सकते हैं कि बात कितनी दूर तक चली जाती है।
बात गबन तक चली जाती है, बात प्राथमिकी दर्ज कराने तक हो जाती है। इसलिए उन सब चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई कैसे अच्छी से अच्छी हो और 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने कोई शिक्षक भी मेरे समझ से ऐसा नहीं है जिसको पढ़ाने लायक चीज नहीं आती। उनके भी ओरिएंटेशन की जरूरत है, वो काम आप कर सकते हैं। भाई सीधी बात है कि विभाग का चेहरा, विभाग की छवि, विभाग की सफलता, ये सब कुछ की चाबी आपके पास है। हम आपके कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरे विभाग के अधिकारी और मुख्यालय के साथ हमेशा हाजिर हैं, लेकिन भाई आपसे एक ही अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की छवि जो गांव के प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षकों की पढ़ाई से साबित होती है या वो एक तरह से लक्षित होती है, उसको आप दुरुस्त करा दीजिए और इसी सिलसिले में हम फिर मिलेंगे। अंत में जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मध्याह्न भोजन योजना के हमारे प्रभारी और विशेष सचिव श्री झा जी को धन्यवाद देते हुए, और श्री संजय जी अपर मुख्य सचिव जिनके डायरेक्शन में विभाग के सारे कार्य कुशलता से आगे बढ़ते हैं, उनके साथ सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए हम अपने कला जत्था के कलाकारों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, और आप सब विभाग के अधिकारियों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छे ढंग से प्रशिक्षित होंगे जिससे अच्छा काम चलेगा और विभाग का भी काम अच्छे तरीके से चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।